हेलो एंड वेलकम टू एलियस। आज इकोनॉमी लेक्चर की सीरीज़ में हमारा टॉपिक है ओपन इकोनॉमी मैक्रो इकोनॉमिक्स पार्ट 4। ये इस चैप्टर का लास्ट सेक्शन है और कॉन्ग्रेचुलेशंस पूरी एनसीईआरटी जो क्लास 12th की है उसका भी ये लास्ट सेक्शन है। सो आफ्टर दिस हमारी ये वाली सीरीज़ जो है ये कम्प्लीट हो जाएगी। आपको ये जो बुक का कवर दिख रहा है इसकी, ये वाली बुक की जितने भी इम्पॉर्टेंट सेक्शंस थे जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं कंसेप्चुअली और फैक्चुअली, वो हमने कवर कर लिए हैं। ठीक है, सो लेट अस बिगिन। पहला हमारा जो टॉपिक है वो है एक्सचेंज रेट सिस्टम। हमने देखा था कि इंटरनेशनल रिलेशंस में एनआरकी है, प्लस हमने ये देखा था कि कोई सिंगल गवर्नमेंट नहीं है। जब हम इंटरनेशनल लेवल की बात करते हैं, मतलब दो कंट्रीज़ के ऊपर भी कोई सरकार है तो नहीं है, सिर्फ कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं। लेकिन वो ऑर्गेनाइजेशंस जैसे वर्ल्ड बैंक, IMF, UNO, ये सब की जो डिसीजंस हैं वो बाइंडिंग नहीं है किसी कंट्री पर। इसीलिए कोई करेंसी भी नहीं है, एक सिंगल नेशनल इंटरेस्ट सॉवरेन होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। तो क्योंकि एक सिंगल करेंसी नहीं है, इसीलिए हमने पिछले लेक्चर्स में ये भी देखा था कि कन्वर्टिबिलिटी की बात आती है। कन्वर्टिबिलिटी का मतलब एक करेंसी, एक कंट्री की करेंसी दूसरे कंट्री की करेंसी में कन्वर्टिबल होती है। ठीक है, तो हम किस रेट पर ये डिसाइड करते हैं कि डॉलर और रुपए के बीच में जो गैप या जो कन्वर्टिबिलिटी है वो कैसे डिसाइड होगी। ठीक है, कैसे हम बता पाते हैं कि एक डॉलर इज़ इक्वल टू 74 रुपए, ये बात हम किस बेसिस पे बता पाते हैं। इसी को कहते हैं एक्सचेंज रेट सिस्टम्स। ठीक है, एक्सचेंज रेट। तो एक्सचेंज रेट की डेफिनेशन बहुत सिंपल है, रेट एट विच द करेंसी ऑफ वन कंट्री इज़ कन्वर्टेबल टू दैट ऑफ अनदर। एक करेंसी, एक कंट्री की करेंसी डॉलर दूसरे करेंसी में कन्वर्टेबल हो, यही बोलते हैं। जिस रेट पर ये कन्वर्टेबल होती है उसी रेट को बोला जाता है एक्सचेंज रेट। ठीक है, पाउंड रुपए के टर्म्स में, पाउंड डॉलर के टर्म्स में, यूरो रुपए के टर्म्स में, यूरो जो है रियाल के टर्म्स में, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ठीक है, ये दो तरह से होता है, एक होता है फिक्स्ड और एक होता है फ्लेक्सिबल। ठीक है, आप देखिए इस फोटो से आप समझ पाएंगे कि कैसे ये लिखा हुआ है। यहाँ पर जब फिक्स्ड की बात हो रही है तो इन्होंने लिखा है कि पेग्ड, राइट, यहाँ पर पेग्ड की बात हुई है। पेग का मतलब यहाँ पर ये होता है कि एक हुक कर देते हैं। पेगिंग का मतलब होता है, पेग्स होते हैं जो चिमटियाँ होती हैं जिससे कपड़े लगाए सुखाए जाते हैं, सो वो वैसा पेगिंग होती है कि आपने हुक कर दिया है करेंसी को। एक डॉलर इज इक्वल टू लेट्स से 50 रुपये, हमने ये फिक्स कर दिया। अब चाहे मार्केट में कुछ भी हो, हम एक डॉलर इज इक्वल टू 50 रुपये ही मानेंगे। ये सरकारें करती हैं। ठीक है, फ्लोटिंग में क्या होता है कि लेट इट फ्लोट। लेट इट फ्लोट का मतलब कि जाने दो, जिस हिसाब से मार्केट काम करेगा, डिमांड सप्लाई जिसकी करेंसी की जिस हिसाब से होगी उसी हिसाब से उस करेंसी की जो है एक्सचेंज रेट फिक्स होता जाएगा या फिर डिटरमाइन होता जाएगा। ठीक है, ये मेनली दो तरह के करेंसी होती है। ये जो फ्लोटिंग है इसी को फ्लेक्सिबल भी बोला जाता है, हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। तो आगे जब हम बढ़ते हैं, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट क्या है। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में जो ये एक्सचेंज रेट डिटरमिन हो रहा है इंटरनेशनल रिलेशंस में, इंटरनेशनल इकोनॉमी में, ये मार्केट फोर्सेस डिटरमिन करती हैं। मार्केट फोर्सेस डिटरमिन करती हैं का मतलब क्या हुआ, मार्केट फोर्सेस डिटरमिन करती हैं का मतलब ये हुआ कि जैसे भी डिमांड और सप्लाई बढ़ेगी मार्केट में, उसी हिसाब से एक्सचेंज रेट जो है वो डिटरमिन होता जाएगा। मान लीजिए डॉलर की अगर डिमांड बढ़ गई है तो उसका प्राइस, उसकी वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, एकदम से कुछ हुआ कंट्री की इकोनॉमी में, मान लीजिए रुपए का कुछ लेकर, और रुपए की सप्लाई एकदम से बढ़ गई तो उसकी वैल्यू है वो डाउन हो जाएगी।
ठीक है। ये बहुत सिंपल सा फंडा है डिमांड और सप्लाई का। जिसकी भी डिमांड बढ़ती है उसकी प्राइसेस बढ़ते हैं, जिसकी सप्लाई बढ़ती है उसके प्राइसेस कम हो जाते हैं। बहुत सिंपल सा फंडा है, ठीक है। इसी को फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट भी बोला जाता है। और ऐसे मार्केट्स में, फॉरेन एक्सचेंज के मार्केट में, जो सेंट्रल बैंक्स होते हैं वो कभी भी इंटरवीन नहीं करते हैं। मतलब कि जो भी घट बढ़ रहा है वो होता रहेगा, सेंट्रल बैंक इसका कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। जब अगर हम हिस्टोरिकली इसको देखें तो हिस्टोरिकली जब एडम स्मिथ की जो इकोनॉमी आई थी इनविजिबल हैंड की, जिसमें बोला था कि जो भी मार्केट है वो जो भी ट्रेड है वो मार्केट से ही डिटरमिन होना चाहिए, तब वहाँ पर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट आता था। मार्केट ही डिटरमिन करता था डॉलर और यूरो और एक्स वाई जेड, जितनी भी करेंसी हैं वो मार्केट फोर्सेस डिटरमिन करती थी। इसको हम ज़रा इससे समझने की कोशिश करते हैं। ये जो ग्राफ है यहाँ पर दो टर्म्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, एक है डेप्रिसिएशन और एक है एप्रिसिएशन। ये डेप्रिसिएशन एप्रिसिएशन क्या है, हम इसको इस तरह से समझते हैं। अगर पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं, डेफिनेशन है इंक्रीज इन एक्सचेंज रेट इम्प्लाइज दैट द प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक करेंसी हैज़ इंक्रीज्ड, दिस इज़ कॉल्ड डेप्रिसिएशन। बहुत सिंपल सी बात है ये, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। कि कभी कभी अगर आप सुनते होगे कि एक्सचेंज रेट जो है वो बढ़ गया है, ठीक है, या फिर आप सुनते होगे कि एक्सचेंज रेट कम हो गया है, तो इसका मतलब क्या है जब हम ये बोलते हैं कि एक्सचेंज रेट बढ़ गया है। एक्सचेंज रेट बढ़ गया है का मतलब ये है कि जो फॉरेन करेंसी की प्राइस है, अगर हम इंडिया के टर्म्स में बात कर रहे हैं, तो जो भी फॉरेन करेंसी है, मान लीजिए डॉलर है या फिर पाउंड है या रियाल है या फिर युआन है, रेनमिनबी, इनकी प्राइस डोमेस्टिक करेंसी के टर्म्स में, मतलब रुपी के टर्म्स में बढ़ गई है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ है फॉरेन करेंसी की जो प्राइस है वो बढ़ गई है, इसकी प्राइस बढ़ गई है, तो इट इज़ ऑटोमेटिक कि जो रुपी है उसकी प्राइस कम हो गई होगी, राइट, ठीक है। ये है इसका, तो जब रुपी की प्राइस कम हो गई है, यहाँ पर इस टर्म्स में अब देखिए, रुपी की प्राइस जब कम होती है, ठीक है, डॉलर के टर्म्स में, तो उसको बोला जाता है डेप्रिसिएशन। और जस्ट इसका उल्टा, अगर रुपी की प्राइस डॉलर के टर्म्स में या फिर फॉरेन करेंसी के टर्म्स में बढ़ जाए तो उसको बोला जाएगा एप्रिसिएशन, ठीक है। दिस इज़ द सिंपल फंडा, ठीक है। अब इसको हम ज़रा ग्राफ से समझने की कोशिश करते हैं, ग्राफ में क्या लिखा हुआ है। दिस ग्राफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप ये ग्राफ समझ गए तो आई थिंक आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। देखिए पहला जो सेक्शन है वहाँ पर ये दिया गया है कि डॉलर जो है वो अप्रिशिएट किया है, और उसी के टर्म्स में ऑपोजिट वाली बात, रुपी अप्रिशिएट किया है। अच्छा, यहाँ डॉलर जब अप्रिशिएट किया हुआ है यहाँ पर, तो ऑब्वियसली जो रुपी है वो डिप्रिसिएट किया होगा, और यहाँ रुपी अप्रिशिएट किया है, यहाँ पर डॉलर जो है वो डिप्रिसिएट किया होगा। खैर देखिए, जब हुआ क्या कि एक्सचेंज रेट इधर देखिए आप बढ़ गया है, 40 से 50 हो गया है, ठीक है, 40 से 50 हो गया है। इसका मतलब क्या हुआ है, इसका मतलब ये हुआ है कि ये जो डॉलर की जो सप्लाई है वो 40 पर थी इतनी, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ फॉरेन करेंसी जो थी 40 पे इतनी थी, और यहाँ पर 20 वाले जो सेक्शन है वहाँ पर ये बढ़ गई है क्वांटिटी, आप इधर नीचे से अगर देखिए, एंड डिमांड जो है वो भी बढ़ी हुई है, राइट। तो इसीलिए यहाँ पर डॉलर की जो डिमांड है, क्योंकि डॉलर की डिमांड जो है वो बढ़ी हुई है, ये इस तरह से यहाँ पर है ना, तो ऑब्वियसली जब डॉलर की डिमांड बढ़ी है तो उसका जो प्राइस है वो बढ़ गया है, ठीक है, प्राइस बढ़ गया है, ठीक है, इसी को बोलते हैं यहाँ पर डेप्रिसिएशन। और यहाँ पर जस्ट उल्टा हुआ है, यहाँ पर डिमांड जो है वो अगर हम देखें ये वाला कर्व, और सप्लाई जो है वो ये दो कर्व्स हैं, तो अब देखिए कि जो यहाँ पर
ए सेक्शन ए पे है एक्सचेंज रेट 40 और बी वाले पे है एक्सचेंज रेट 30। तो यहाँ पर जब एक्सचेंज रेट जो है वो कम हुआ है, 40 से 30 हुआ है, इसका मतलब ये है कि पहले हम, अगर हम बिल्कुल आम भाषा में देखें, तो पहले हम $1 को ख़रीदने के लिए 40 रुपये देते थे, अब हमें $1 को ख़रीदने के लिए सिर्फ 30 रुपये देने हैं, इसलिए यहाँ पर रुपी जो है वो अप्रिसिएट हुआ है। और जस्ट उल्टा यहाँ पर, कि पहले हमें $1 को ख़रीदने के लिए 40 देने पड़ते थे, अब हमें $1 को ख़रीदने के लिए 50 रुपये देने पड़ते हैं। इट इज़ वेरी सिंपल एज दैट। ठीक है, ये जो डिप्रिसिएशन अप्रिसिएशन है, ये दो टर्म्स का यूज़ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में ही यूज़ होता है। ठीक है, अभी हम आगे देखेंगे तब इसका ज़्यादा मतलब समझ आएगा। आगे देखते हैं इफ़ेक्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। हम अप्रिसिएशन का जस्ट ऑपोजिट ले लेंगे, अभी हम इफ़ेक्ट ऑफ डेप्रिसिएशन देखते हैं। अगर हमने डिप्रिशिएट कर दिया है, ठीक है, डेप्रिशिएट, तो इम्पोर्ट्स महंगे हो जाएंगे और एक्सपोर्ट्स जो हैं वो सस्ते हो जाएंगे। ये चीज़ हमने पिछले लेक्चर में भी देखी थी, तब जब हमने ये देखा था कि चाइना जो है वो अपनी करेंसी को डीवैल्यू करती है ताकि वो उसके एक्सपोर्ट्स जो हैं वो सस्ते हों और प्रमोट हो सके, और इम्पोर्ट्स जो हैं वो कर्ब रह सके। और हर कंट्री थोड़ा बहुत ये काम करती है कि अपनी करेंसी को डिवैल्यू करती है या फिर अपनी करेंसी को वो डिप्रिशिएट करके रखती है। डिप्रिसिएशन अगर हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि एक्सपोर्ट्स जो हैं वो बढ़ रहे हैं, एक्सपोर्ट्स चीप हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली एक्सपोर्ट्स की क्वान्टिटी बढ़ेगी, है ना। और इससे करेंट अकाउंट जो करेंट BOP जो BOP है वो हमारा इम्प्रूव होगा। इम्पोर्ट घटेंगे, एक्सपोर्ट बढ़ेंगे, तो BOP जो है वो इम्प्रूव होगा, डेफिसिट कम होगा। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। ये फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या है? हमने देखा था कि जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम या फिर फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम था, उसमें मार्केट मैकेनिज्म डिटरमिन करती थी ये एक्सचेंज रेट। लेकिन जब हम फिक्स्ड एक्सचेंज रेट की बात करते हैं, तो यहाँ पर सरकार, गवर्नमेंट फिक्स करती है एक्सचेंज रेट, जो हमने देखा था कि पेग कर देती है कि $1.50 ही रहेगा मार्केट में, चाहे जितना उतार चढ़ाव आता रहे। जब सरकार इसमें क्या करती, अब सरकार ही करेगी सारा काम, तो सरकार को अपने हिसाब से पॉलिसी डिसाइड करनी है। अच्छा, वेरी सिंपल, अगर सरकार को एक्सपोर्ट्स अपने बूस्ट करने हैं तो वो क्या करेगी? वो अपनी करेंसी का जो एक्सचेंज रेट है वो बढ़ा देगी, क्योंकि उससे क्या होगा, जब एक्सचेंज रेट बढ़ जाएगा, मतलब कि वो एक्सचेंज रेट बढ़ाने का मतलब है कि $1 को 50 से वो कर देगी 70 रुपये। तो ये क्या हुआ, इसमें एक्सचेंज रेट बढ़ा दिया। जब एक्सचेंज रेट बढ़ा दिया तो ऑब्वियसली हमारी करेंसी जो है वो डीवैल्यू हो गई, इसी को बोला जाता है डीवैल्यूएशन। और जस्ट इसका उल्टा, सरकार ने अगर एक्सचेंज रेट कम कर दिया है, 50 का 40 कर दिया है, ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे एक्सचेंज रेट जो है वो कम हो जाएगा और हमारे इसको बोला जाएगा, और करेंसी जो है इंडियन करेंसी, डोमेस्टिक करेंसी, दूसरी करेंसी के टर्म्स में अप्रिशिएट करेगी, मतलब कि यहाँ पर रीवैल्यू करेगी। ठीक है, तो ये जो दो टर्म्स हैं, डेप्रिसिएशन अप्रिसिएशन, डीवैल्यूएशन और रिवैल्यूएशन, ये सेम है, बस इनका टर्म्स, इनका यूसेज जो है वो अलग अलग रिजीम्स में अलग अलग होता है। ठीक है, इफ़ेक्ट दोनों का सेम होता है। फ्लेक्सिबल में डेप्रिसिएशन अप्रिसिएशन बोला जाता है, और फिक्स्ड में उसी चीज़ को डीवैल्यूएशन और रिवैल्यूएशन बोला जाता है। राइट, देखिए यहाँ पर गवर्नमेंट इंक्लूडेड है और हमने जो है डीवैल्यू कर दी है करेंसी को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर डिवैल्यूएशन का भी इफ़ेक्ट जो है वो बिल्कुल सेम रहता है जो डेप्रिसिएशन का रहता है। यहाँ पर हमने देखा था इम्पोर्ट्स एक्सपेंसिव थे और एक्सपोर्ट्स जो थे वो चीपर थे, अब देखिए यहाँ पर भी सेम इम्पैक्ट है कि इम्पोर्ट महंगे हैं और एक्सपोर्ट्स जो हैं वो सस्ते हुए हैं, ऑब्वियसली करेंट अकाउंट की जो BOP है वो इम्प्रूव होगी। राइट, ठीक है, और इससे इकोनॉमिक ग्रोथ भी इम्प्रूव होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये आप इन दोनों फिक्स्ड और फ्लोटिंग करेंसी के कंपैरिजन आप देख सकते हैं पॉज करके। मैं आपको बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ पे ले जाना चाहती हूँ, विच इज़ मैनेज्ड फ्लोटिंग।
समहाउ ये दोनों रिजीम्स जो थे वो काम नहीं किए. जब हमने बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल रख दिया तो स्पेकुलेशन बहुत होने लगा, मतलब ज़बरदस्ती मार्केट फोर्सेस जो है वो डेप्रिसिएट कर देते थे या फिर अप्रिसिएट कर देते थे, और सरकारी काम में भी स्पेकुलेशन होने लगा. राइट, ठीक है, दोनों तरफ से प्रॉब्लम्स आ रहे थे. तो बिना किसी इंटरनेशनल अग्रीमेंट के, एक फॉर्मल इंटरनेशनल अग्रीमेंट के बिना ही पूरी दुनिया में ये मैनेज्ड फ्लोटिंग सिस्टम आने लगा. इसका एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अगर हम देखें तो 1929 का ग्रेट डिप्रेशन था. 1929 का जब ग्रेट डिप्रेशन आया, उससे पहले तक फ्लेक्सिबल फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, फ्लेक्सिबल सिस्टम या फिर फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम फॉलो होता था. जो कमांड इकोनॉमीज़ आए थे, मतलब कि कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन के बाद में जो सोवियत यूनियन आया, उसके बाद में चाइना में भी आया था और इंडिया में भी काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस दिखा था, तो इन कमांड इकोनॉमीज़ ने फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम को फॉलो किया था, मतलब सरकार फिक्स कर देते थे. राइट, लेकिन जब 1930 में डिप्रेशन आया तो हमें समझ आया था कि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम तो नहीं काम कर रहा है, अभी हम सॉरी फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम तो नहीं काम कर रहा था. तो कीनीशियन इकोनॉमिक्स आई थी, मतलब कीन्स ने ये बोला था कि ठीक है मार्केट मैकेनिज्म्स तो काम करते हैं, वो बात ठीक है, लेकिन यदि ज़रूरत पड़े तो सरकार को भी इंटरवीन करना चाहिए, जिससे कि ऐसे कोलैप्स एकदम से मार्केट के ना हो पाए. ठीक है, और वहीं से हम धीरे धीरे करते करते जब फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम की भी फ्लॉज आने लगे, तो धीरे धीरे बिना किसी फॉर्मल अग्रीमेंट के ही पूरे पूरा वर्ल्ड जो है वो मैनेज्ड फ्लोटिंग पे चला गया. ये मैनेज्ड फ्लोटिंग है क्या? ये बहुत सिंपल मिक्सचर है फ्लोटिंग का और फिक्स्ड रेट सिस्टम्स का. वेरी सिंपल, फ्लेक्सिबल चलता रहेगा, मार्केट फोर्सेस डिटरमिन करते रहेंगे. ठीक है, क्या करेंगे, मार्केट फोर्सेस डिटरमिन करते रहेंगे, लेकिन यदि ज़रूरत पड़े तो सरकार को भी इंटरवीन कर देना है. मतलब एक लेवल तक तो ये ऊपर नीचे होता रहे ठीक है, लेकिन यदि अगर इस एक लेवल से ऊपर या नीचे फ्लक्चुएशन होता है तो सरकार तुरंत इंटरवीन कर देगी. इसी को इसीलिए बोला जाता है डर्टी फ्लोटिंग. डर्टी फ्लोटिंग क्यों? क्योंकि फ्लोटिंग तो प्योर हो रही थी, मार्केट मैकेनिज्म प्योर डिटरमिन कर रहे थे, सरकार ने बाद में अपना हाथ डाल दिया मार्केट में कि भाई हम इससे ज़्यादा तो अलाउ नहीं कर सकते वरना इकोनॉमी कोलैप्स करने लगेगी. इसमें होता क्या है, सरकार इसमें क्या करती है, जो सेंट्रल बैंक्स होते हैं उनके थ्रू वो इंटरवीन करती हैं और फॉरेन करेंसी को खरीद लेंगी या फिर बेच देंगी, और इससे एक्सचेंज रेट के मूवमेंट्स को मॉडरेट कर पाएंगे उन्हें जब भी ठीक लगेगा. जब भी ठीक लगेगा मतलब ऐसा नहीं है कि जब मन किया तब, बट एट अ टाइम जब उन्हें लगेगा कि हाँ ये फ्लक्चुएशन ज़्यादा आ रहा है, मतलब कि इन्फ्लेशन जो है मान लीजिए बहुत ज़्यादा आ गया एकदम से, तो फिर सरकार क्या करेंगी, सरकार कुछ अप्रोप्रिएट एक्शंस लेंगी, सेंट्रल गवर्नमेंट वहाँ पर एक्शन लेगी और उससे मॉडरेट कर देगी एक्सचेंज रेट सिस्टम को. ठीक है, इसको इस ग्राफ को हम बहुत ही डिकोड करने की कोशिश करते हैं कि क्या है. ठीक है, अब मान लीजिए हुआ ये है कि इम्पोर्ट जो है वो एकदम से बढ़ गया है. राइट, तो जब इम्पोर्ट बढ़ा है, इम्पोर्ट जब बढ़ा है तो क्या होगा, इम्पोर्ट बढ़ने पर एकदम से फॉरेन करेंसी की डिमांड बढ़ जाएगी. ऑब्वियस है, फॉरेन करेंसी की डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी. जब फॉरेन करेंसी की डिमांड बढ़ जाएगी तो इसकी तो प्राइस बढ़ गई है ना, और डोमेस्टिक करेंसी की प्राइस जो है वो इसी के टर्म्स में ऑब्वियसली नीचे चली जाएगी. मतलब कि क्या हो रहा है, ये डेप्रिसिएशन हो रहा है. एक लिमिट तक तो ये चलता है, बट एक लिमिट से ज़्यादा अगर इम्पोर्ट्स बढ़ गए और ये डिप्रिशिएट करता ही गया रुपी, तो क्या होगा, हमारी डोमेस्टिक करेंसी में जो एक ट्रस्ट होता है वो ट्रस्ट कम हो जाएगा, लोग कम खरीदेंगे और महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ने लगेगी. राइट, ठीक है, तो इकोनॉमी के लिए ये एक हद से ज़्यादा डेप्रिसिएशन हार्मफुल हो जाता है. इसी मोमेंट पर
आरबीआई इंटरवीन करती है, आरबीआई आ गई। अब आरबीआई इंटरवीन करेगी और आरबीआई यहाँ पर क्या करेगी, यहाँ पर इसकी डिमांड बढ़ी हुई है, आरबीआई क्या करेगी, और इसकी प्राइस बढ़ रही है तो इसकी प्राइस को मॉडरेट करना है। प्राइस को मॉडरेट करने के लिए तुरंत आरबीआई क्या करेगी, आरबीआई इन डॉलर्स को जो उसकी फॉरेक्स रिजर्व में रखे हुए हैं उसको जो है वो सेल करने लगेगी। जैसे ही वो सेल करने लगेगी तुरंत ही जैसे ही वो सेल करने लगेगी तुरंत ही इसकी जो प्राइस है सप्लाई बढ़ जाएगी मार्केट में, इंडियन मार्केट में। मार्केट में जैसे ही इसकी सप्लाई बढ़ेगी तुरंत ही डॉलर का रेट जो एकदम से बढ़ा हुआ था प्राइस, वो कम हो जाएगा, मॉडरेट हो जाएगा, एक्सचेंज रेट स्टेबलाइज हो जाएगा। ठीक है, तो 70 से अगर मान लीजिए एकदम से उसे लग रहा है कि 90 चला गया है, 80 चला गया, 84 रुपये चला गया है, तुरंत ही आरबीआई इंटरवीन करती है, एक्सचेंज रेट को, डॉलर को सेल कर देगी। जस्ट इसका उल्टा अगर हुआ है, रुपी अप्रिशिएट कर रहा है एकदम से, अगर रुपी अप्रिशिएट कर रहा है तो मतलब कि क्या होगा, एक्सपोर्ट्स हमारे महंगे होने लगेंगे। एक्सपोर्ट्स अगर महंगे होने लगेंगे तो हमारे कंट्री के लिए दिक्कत होगी, बीओपी क्राइसिस हो सकती है। सरकार क्या करेगी, सेंट्रल बैंक अपने फॉरेक्स रिजर्व्स में तुरंत ही बॉन्ड इशू करेगी और पूरा जो है वो फॉरेन एक्सचेंज, जो फॉरेन करेंसी है उसको बाय करने लगेगी, मार्केट से सक्शन करने लगेगी। जैसे ही सक्शन करेगी तुरंत फिर से करेंसी डीवैल्यू करने लगेगी, डीवैल्यू करवा देगी या फिर डिप्रिशिएट करने लगेगी। ये होती है मैनेज्ड फ्लोटिंग, डर्टी फ्लोटिंग। इससे करेंसी जो है, इकोनॉमी जो है वो कंट्रोल में रहती है, कोलैप्स होने से बच जाती है। आज देश भर में, वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो मैनेज्ड फ्लोटिंग ही जनरली अप्लाई करती हैं। बहुत ही कम कंट्रीज़ हैं जो स्टेट कंट्रोल में पूरी तरह या फिर मार्केट कंट्रोल पे पूरी तरह एक्सचेंज रेट को छोड़ा हुआ है। इंडिया में भी मैनेज्ड फ्लोटिंग ही अप्लाई होती है। ठीक है, यहाँ पर भी यही सिस्टम फॉलो किया जाता है और यही आपसे बहुत बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये पूरा कंसेप्ट है, आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आया हो। एंड दिस इज़ द लास्ट सेक्शन, लास्ट टॉपिक ऑफ दिस होल सीरीज़। आई होप यू लाइक द सीरीज़। इफ़ यू डू, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।